यह औषधि मध्य दर्शन एवं सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्री ए नागराज जी की 800 वर्ष पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा से लिया गया है। इस आयुर्वेदीय परंपरा को वैद्य शारदा शर्मा एवं श्री साधन भट्टाचार्य द्वारा वर्तमान में भी जारी रखा है। इस औषधि का निर्माण गांधी विद्या मंदिर की प्रवृत्ति श्री भंवरलाल दुग्गड़ आयुर्वेद विश्व भारती में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। यह औषधि 10 जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो कि हर भारतीय घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इन प्रत्येक औषधियों का अपना अलग प्रभाव है और इन सभी का मिश्रण आयुर्वेदीय योग सिद्धांत से इसको एक सक्षम दवा बनाता है। इस सर्व ज्वर हर चूर्ण का उपयोग खांसी, जुखाम, बुखार, श्वसन संस्थान के संक्रमण, कमजोरी, पेट की व्याधियां, भूख न लगना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना इसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौसम परिवर्तन के समय होने वाले वायरल संक्रमण के उपचार के लिए भी व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इस दवा को वे लोग प्रतिदिन लंबे समय तक सेवन कर सकते हैं जो कठिन परिस्थिति में कार्य करते हैं, जैसे दूषित वातावरण, ऐसी स्थिति जहां संक्रमण होने का खतरा अधिक हो, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जिनको बार बार खांसी जुखाम में बुखार हो, भूख कम लगती हो, कमजोरी अधिक हो आदि। यदि इस स्वर ज्वर हर चूर्ण का प्रयोग प्रतिदिन किया जाए तो यह नींद न आना, बेचैनी होना, कब्ज होना तथा पाचन क्रिया का कमजोर होना आदि में सहायक। इस औषधि को कौन और कितना सेवन करें? साधारणतया इस काढ़े को इन बीमारियों में 1.5 ग्राम की मात्रा में दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है। रोगों के लक्षण अधिक होने की स्थिति में इस चूर्ण की मात्रा 1 के पश्चात उसको गर्म रहते सिप करके दिन भर में पिए। इसमें एक सावधानी ये रखनी है कि इसको फ्रिज में ना रखें, इसको दोबारा ना उबालें तथा रूम टेम्परेचर के समान रहते हुए इसको सेवन करें। और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इसकी 1.5 ग्राम की मात्रा प्रतिदिन सेवन की जानी चाहिए। बच्चों को इसकी मात्रा कम दी जाती है। यह दवा पूर्णतः सुरक्षित है। इस दवा का प्रयोग 3 वर्ष के शिशु से लेकर किसी भी आयु के व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए। सेवन करने का तरीका, चूर्ण को शहद में मिला के खाया जा सकता है। पानी को उबालकर उसमें चूर्ण को डाल दें, 10 मिनट तक उसको ढक दें। ढकने के पश्चात उसको बिना छाने या छानकर गर्म ही सेवन करें। 1.5 ग्राम की मात्रा के लिए 90 ml पानी का उपयोग करना चाहिए। स्वाद के लिए पानी की मात्रा का उपयोग भिन्न हो सकता है, परंतु 40 ml से कम पानी नहीं लिया जाना चाहिए। इस चूर्ण का उपयोग गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म कॉफ़ी में डालकर 10 मिनट ढककर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा गर्म भोजन जैसे पकी हुई सब्जियां, गर्म दाल, गर्म सूप आदि में डालकर इसको सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसकी सावधानी ये रखनी है कि इसको डालकर उबालना नहीं चाहिए। किन रोगों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिलाएं, अल्सर से पीड़ित व्यक्ति, एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति। अगर सेवन करना है तो कब और कैसे करना चाहिए? एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति एसिडिटी के ट्रीटमेंट के साथ इस चूर्ण को सेवन कर सकता है। ब्लीडिंग पाइल्स की स्थिति में व्यक्ति सामान्य मात्रा के साथ 2 चम्मच गाय का घी इस चूर्ण के साथ सेवन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही इस चूर्ण का सेवन कर रहा है और उसको ये कोरोना संक्रमण हो जाता है तो उसे ज्ञात होता है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है। उसको उन्नत करने के लिए उसको लगातार इसकी सामान्य मात्रा सेवन करते रहना चाहिए, जिससे कोरोना के लक्षणों से वो पीड़ा कम पाएगा और शीघ्र ही उसे मुक्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इस औषध का प्रयोग प्रतिदिन लाखों लोग नियमित रूप से कर रहे हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं।